प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे? अभिलेख, दस्तावेज। तो ताड़ पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोज पत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। ताम्र पत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। तांबा धातु होती, उसको पीट पीट के पतला कागज जैसा बना लिया जाता था, ठीक है। फिर उस पर जो है, पहले बर्तनों पर, स्टील के बर्तन, बर्तनों पर जब हम बाजार से बर्तन पे बर्तन खरीदते थे दुकान पे, तो दुकान के बाहर एक व्यक्ति बैठा रहता था अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट औजार लिए। वो तुरंत जो है बर्तन के ऊपर अपनी छेनी और हथौड़ी से गड्ढे कर करके तुरंत उस पर नाम लिख देता। आपने देखा होगा आपके घर पे भी पुराने स्टील बर्तन हो तो उन पे नाम लिखा होता था, जिससे कि कोई चोरी ना कर ले हमारा नाम लिखा है। जब पहले ये प्रचलन में बहुत था, दुकान के बाहर एक व्यक्ति बैठा रहता था जिसने किसी ने स्टील का बर्तन खरीदा और उसने उसको दिया कि भाई इस पर मेरा नाम लिख, तो वो उस पर नाम लिख देता था। छेनी, पतली पेन जैसी छेनी होती थी और कुट कुट कर करके तुरंत उस पर नाम बढ़िया से सुंदर लेख में लिख देता था। पहले लोग इसी तरह तांबे के पतले एवं चपड़े टुकड़ों पर। स्तंभ लेख, अब क्या है, फ्लैक्स बनते हैं, बोर्ड लगवा दिया। आप कलेक्ट्रेट में जाओ, जैसी ही कोई योजना आई सरकार की, तुरंत एक बोर्ड लग जाता है फ्लैक्स। पहले क्या होता था, पहले ये सब चलता नहीं था, तो पत्थर की दीवार पे, पत्थर का कोई खंभा हुआ या पत्थर, उस पे छेनी से खोद खोद के नाम। आज भी सिलापट होते हैं, कहीं कोई सड़क बनती है तो वहाँ सिलापट लगाया जाता है, तो उसे पेंटर लोग छेनी से खोद के उस पे कलर भर देते हैं। तो स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर, और शिलालेख, स्तंभ लेख खंभे पर और शिलालेख कोई पत्थर की चट्टान होता तो बड़ा सा पाटा जैसा उस पर लिख देते। तो इस तरह प्राचीन काल में मनुष्य अपने अभिलेख इन माध्यमों से, इन तरीकों से लिखता। देखिए, कागज की खोज बहुत बाद में हुई, कागज पे लिखना बहुत बाद में शुरू हुआ, तो पहले लिखने का तरीका यही था। बाकी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते थे, वेद पुराण, तो अभी कागज पर लिखे हुए मिलते हैं, हम लोग उनको पढ़ते हैं। पहले क्या होता था कि गुरुजी अपने शिष्यों को बोल बोल के याद कराते थे। जैसे हमने, हमारे 10 शिष्य हैं, तो हमारे पास जितना भी ज्ञान है वैदिक धार्मिक साहित्यिक, वो बोल बोल के हम तुमको याद कराते थे, तुम याद कर लिया, फिर तुमने अपने शिष्यों को याद कर, तो इस तरह होता था। अब पुस्तकें हैं, तो प्राचीन काल में मानव इस तरह अपने संदेशों का, अपने बात का, अपने ज्ञान का, अपने तथ्यों का इन माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाता। हाँ, सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में, हमें सम्राट अशोक के बारे में किस अभिलेख के द्वारा जानकारी मिलती, तो उस अभिलेख का नाम है रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख। अच्छा, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायता देते? तो जो सिक्के होते थे, जैसे भी बताया था कि समुद्रगुप्त जो था वो वीड़ा वादन करते थे, तो उन्होंने अपने सिक्कों पर वीड़ा बजाते हुए चित्र बनाया, तो हमको पता लगा कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी। तो सिक्के के माध्यम से उस समय के शासक, पुराना कोई सिक्का मिला हमें, पुराने सिक्कों की बहुत वैल्यू होती है, आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेंगे। आज के सिक्के जो हैं उनसे थोड़ा भिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, उसमें राजा का चित्र भी बना होता था, राजा अपना चित्र भी खुदवाता था, और कई सूचनाएं उस पर मिलती थी, जैसे उस समय का शासक कौन है, उसका नाम क्या है, उसका समय क्या है, और उसकी अगर किसी विशेष चीज़ में रुचि है या उसके शासनकाल में उसने कोई कुछ नया प्रयोग किया तो वो उसको भी खुदवाता था। अच्छा, जो साहित्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, इस तरह के साहित्य आते हैं। धर्मेतर में जो धर्म के साहित्य नहीं लेकिन उस समय के विद्वानों के द्वारा लिखा गया, उस समय की राजनैतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राजा की रुचि, राजा के कार्य, राजा के बारे में, उसके पड़ोसी राज्य, कौन कौन से उसने युद्ध किए, कौन कौन सी उसने योजनाएं चलाई, कौन कौन सी उस समय प्रथाएं थीं, ये सब उन साहित्यों में हमें मिलता। जैसे बताया था मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये धर्मेतर साहित्य। तो इस तरह हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती